अभी हम अपने हमारे होम टाउन में शूटिंग चल रही है, गोरखपुर में सहारा क्लब में शूटिंग चल रही है, और फिल्म का नाम है द ग्रेट भैया जी, जिसके स्टार हैं देसी स्टार, यूट्यूब के किंग बोल सकते हैं, और ऑलवेज ग्रीन समर सिंह जी हैं, रितु सिंह जी हैं, रूपा मिश्रा जी हैं, और इसमें उमेश सिंह जी हैं, और राजकपूर शाही जी हैं, इंद्रसेन जी हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार इसमें हैं। इसमें दो सेट से किरदार का हम लोग का, हम समर जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहर में हम लोग दादागिरी करते हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेट है, गुंडा टाइप के हैं, मतलब जैसे होते हैं आजकल में दोस्तों में होता है, जब गांव में आते हैं तो हम लोग ऑटो चलाने का काम करते हैं। गुंडे रहम रिया बहुत सीधे साधे कलाकार आदमी है, तो हमारे गुंडे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कभी आवश्यकता पड़ती है तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि वो तो फिर स्वाभाविक है, कोई भी आदमी आप रक्षा में कुछ भी कर सकता है। रूपा मिश्रा जी के साथ तो मैंने जब वो एक्ट्रेस थी तो उनके साथ काम किया था, अभी एक्ट्रेस हैं, तो एज ए निर्माता जब से आई हैं तो से मेरी पहली फिल्म उनके साथ है, डायरेक्टर साहब भी मेरी पहली फिल्म है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, काम से समझौता नहीं हो रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। इसमें बहुत अच्छा किरदार है, मतलब कि जॉली दोस्त है और मस्ती करता है, समर सिंह के काफ़ी नज़दीक में है, हर निर्णय हम दोनों लोग मिलकर करते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं, और जहाँ पे कॉमेडी होती है हम लोग कॉमेडी भी करते हैं, और फिल्म के कुछ अंतराल बाद हम लोग अपना एक्शन भी शुरू। डायरेक्टर साहब के साथ मेरी पहली फिल्म है, लेकिन अच्छा है, मतलब उनका उनकी फिल्म में छोटा भी कलाकार रहता है, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं, कैसे निकलवाना है उनको पता है, उनका व्यू क्लियर है, मुझे बनाना क्या है, काफ़ी ऊर्जावान है, और जितने अच्छे टेक्निकल साउंड है उतने अच्छे इंसान भी हैं। कॉमेडी तो देखिए क्या, मुंबई हम विलन बनने के लिए ही गए थे, लेकिन काम ही नहीं मिला, फिर हम सोचे कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी करते 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 मेरी मजबूरी थी कॉमेडी करना, ऐसा नहीं मैं चाहता था, करते करते इसी रोजी रोटी चलना शुरू हुआ, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, धीरे धीरे एज ए कॉमेडियन मैं इस्टेब्लिश हो गया और लोग मुझे पसंद करने लगे, काफ़ी साल तक कई सौ फिल्में मैंने की एज ए कॉमेडियन, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके विलन भी करता था, लेकिन कोरोना काल के आसपास 3 साल से तो थोड़ा फिल्मों का ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों को पास फोन करते थे, सिर्फ जी इसमें कॉमेडी नहीं है, एक्शन मूवी है, ये सिर्फ विलनों पर डिपेंड है, हम कहे चलो ठीक है, कॉमेडी हीरो ही कर रहा है, हीरोइन कर रही है, तो हमने थोड़ा सा उनके अलावा विलन भी देख लेते हैं, कोशिश करते हैं, पता नहीं पब्लिक मुझे पसंद करे एज ए विलन के नहीं, तो इसके लिए मुझे बिल्कुल चेंज होना पड़ा, तो एक विलन कई फिल्में की, लेकिन एक अचानक मेरे पास फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर, उसके पहले भी मैंने गर्दा किया था, बहुरानी किया था, और फिल्म की थी रानी बनी ज्वाला में गेस्ट अपीयरेंस में विलन किया था, तो इसमें हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्टर इस करेक्टर को कर रहे थे, लेकिन एक ये शोमन कहे जाने वाले संतोष मिश्रा जी, इन्होंने मुझे उस करेक्टर को मुझे दिया करने के लिए, जो उसको कर रहे थे उनके पास डेट की कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने अचानक कहा कि सीपी भाई इस करेक्टर को आप कीजिए, शायद अच्छा लगे, तो पहली बात मैं आधा तो मैं वही डिप्रेस हो गया कि कौन कर रहा था, इतने बार आदमी कर रहा था, मैं करूँगा तो पता नहीं मैं न्याय कर पाऊँगा नहीं, अपने आप को मजबूत किया, उस करेक्टर को किया, मुकद्दर का सिकंदर दिनेश लाल जी के अपोजिट था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अच्छा रहा, फिर लगातार विलन शुरू हो गया, UP 64 तेरे तिलक शोले के बिया गुंजा, एक कॉमेडी विलन में बापजी आई थी मेरी, और भी लगातार कई फिल्में जो विलन किया, फिर कोरोना काल स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा फिर ट्रेंड चेंज हुआ, डिजिटल मार्केट आ गया, अब कॉमेडी में तो कभी कभी थोड़ी सी डबल मीनिंग हो जाती है या कुछ लाउड हो जाता है, तब डिजिटल मार्केट हुआ तो वो फैमिली के लोग ज़्यादा देखते थे TV पे, तो फैमिलियर फिल्में स्टार्ट हो गई, चाहे बिफोर यू ने, चाहे दंगल ने, चाहे जी ने, नया ट्रेंड स्टार्ट किया कि फैमिलियर फिल्म ने, तो फैमिलियर फिल्में स्टार्ट हुई, तो उसमें मैक्सिमम फिल्में थी उसमें विलन की आवश्यकता नहीं थी, या थी तो उसके लिए लोग थे, तो जो करेक्टर मैं लाइफ में कभी नहीं करना चाहता था उस तरह के करेक्टर के लिए ऑफर आया कि मैं बाप का करेक्टर करूँ, अब बाप का करेक्टर मुझे बहुत टफ लगता है, जिस करेक्टर में कुछ ना करने के लिए रहे वो करेक्टर मुझे बहुत टफ लगता है, ऐसा नहीं कि मैं एक्टर हूँ सब कुछ कर सकता हूँ,
तो मुझे भी लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे खुद लगता था मैं कर ही नहीं सकता हूँ बाप का, और सच में बाप का कैरेक्टर करना भी नहीं चाहता हूँ। तो फिर लोगों ने मुझे लिया और हीरोइन आई, दो हीरोइनों के बाप बना, संतोष श्रीवास्तव जी की फिल्म थी प्रेम की नैया राम के भरोसे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि हम उनके बाप हैं। पब्लिक ने हमको छिछोरापन में छिछोरे के रूप में देखा है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है, मस्ती करते हुए देखा है, रोमांस करते हुए देखा है, तो ये कैसे हम देखें कि ये हम मुझे बाप के रूप में कैसे हजम कर पाएगी। नहीं, दो दिन तक मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनको बेटी एक्सेप्ट नहीं कर पाया मैं, तो बड़ा मुश्किल से फिर मुझे उस करेक्टर में आने में दो दिन लगा, फिर मैं किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद लगातार कई फिल्में भी, दोस्ती में हीरोइन का बाप किया, चला मुरारी हीरो बनने में विशाल सिंह के बाप का करेक्टर किया, बहुत राजकुमार पांडे जी की फिल्म है अजय निर्माता, बहुत अच्छी फिल्म है और पूरी फिल्म में बाप बेटे की कहानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है। उसके बाद अभी एक फिल्म और मैंने किया लागी तुसे लगन, तो उसके बाद और भी कई फिल्में लगातार बाप का रोल किया, तो मुझे लगा और लोगों ने पसंद किया उसको, कि फिर मुझे लगा कि मैं बाप का रोल कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, बाप का रोल करने में थोड़ा सा उसमें एफर्ट डालना पड़ता है। और फिर अब मुझे आज जो मेरा मेन जोनर है कॉमेडी, जिस जो मेरी पहचान है, तो अब जो भी मौका मिलता है बाप का मिलता है, बाप का करते हैं, विलन का मिलता है विलन का करते हैं, और कॉमेडियन है तो मेरा जोनर है, वही मेरी रोजी रोटी है। ऑडियंस करना चाहेंगे, देखिए क्या कि आप लोग का प्यार मुझे हमेशा चाहिए, हमारी हर फिल्म को चाहिए। आप लोग को ये दिखाना है कि स्टार बड़ा नहीं होता है, फिल्म बड़ी होती है, स्टोरी बड़ी होती है। आप लोग अच्छी फिल्मों को प्रमोट कीजिए, पोस्टर देख के फिल्म में देखने में जाइए, फिल्म के बारे में पता कीजिए, अच्छी फिल्म होती है तो ज़रूर देखिए। तो आपको नए नए कलाकार आपको मिलेंगे, नए नए कलाकारों से आप इंटरटेन करेंगे, और फिल्म छोटी बड़ी जो भी हो आप उसका निर्णय लीजिए कि फिल्म अच्छी है या ख़राब है। करोड़ों की फिल्म बनती है, आप लोग 50 रुपये में उसका निर्णय ले लेते हैं। साफ़ सुथरी फिल्में बन रही हैं उसको बढ़ावा दीजिए, सिनेमा हॉल में जाके फिल्में देखिए, यूट्यूब पे फिल्में मत देखिए, और सिनेमा हॉल पे देखेंगे क्योंकि लाखों लोग की रोजी रोटी जुड़ी है सिनेमा से। सिनेमा बनेगा तो अगर 50 लोग काम करते हैं तो 50 में 10-10 परिवार है, 500 लोग हो गए, तो उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप सबको सपोर्ट कीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री को। भोजपुरी हमारा सिर्फ भाषा ही नहीं है, हमारा संस्कार भी, हमारा कल्चर भी, हमारा मान सम्मान भी है, और हमारे हर करेक्टर को जितना कॉमेडी को प्यार देते हैं उतना विलन को दीजिए, उतना बाप के करेक्टर को दीजिए, और आप ही लोग के दम पे इंडस्ट्री चल रही है। बस यही गुजारिश है कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाइए और फिल्मों को देखिए।